बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मीर करती साहब? ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने पकाने वाली कोई रेसिपी नहीं, आज मैं आपको ये बताऊंगी ये धनिया बारीक काट के किस तरह सेव करते हैं और फ्रीज में किस तरह इसको रखते हैं, ये भी आपको बताऊंगी। दूसरा ये बड़े वाला लहसुन आया है, इसका भी पेस्ट बनाना सिखाऊंगी। इसका भी पेस्ट बना के फ्रीज में रख लें, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये धनिया को देखिए ना, जो गंदे इसके अंदर ये हैं ये सारा निकालना है। ये सारे आपने निकाल लेना, जो गंदा है वो नहीं बीच में जाएगा, फिर आपका ये अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं लगना चाहिए। ये मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह हमने करना है इसको। ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, आपका 6 माह भी पड़ा रहे, फ्रिज के अंदर आपने रखना है। इसका ढक्कन जो पानी छोड़ देता है ऊपर लगाने से ना, लेकिन इस तरह आपने निकालना है जिसके अंदर पानी ना जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इस तरह आपने करना है, हाथ से पकड़ के आपने इस तरह बारीक बारीक इस तरह काट लेना। ठीक है, सारा मैंने इसी तरह काटना है। आप हाथ सालन के अंदर डाल सकते हैं इसको। आप पुदीने वाली चटनी बना सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं, साग के अंदर डाल सकते हैं, कोई भी आप हांडी तैयार करते हैं, चिकन वगैरह, कोई कढ़ाई वगैरह, उसके अंदर सब चीज़ें सब के अंदर ये डाला जाता है। ये हांडी की शान बढ़ाता है धनिया जो है। ये देखिए, इसी तरह आपने बारीक बारीक काटना है, बिल्कुल बारीक। मैं सारा काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए, मैंने इसी तरह सारी बारीक कटिंग कर ली। मैंने जो गंदे पीस थे सारे मैंने निकाल दिए, जिसके अंदर मैंने टिश्यू डाला है। अब मैं इसके अंदर ये सारा करूँगी प्रैक्टिस कर। ठीक है, ये देखिए सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर भी इस तरह टिश्यू रखूँगी, इस तरह इसको बिल्कुल कवर करना है। फिर ये 6 महीने भी पड़ा रहे तो ये नहीं ख़राब होता। जब आपने निकालना है इसी तरह, आपने इसी तरह हटाना है, आपने इसी तरह निकालना है, फिर इसी तरह आपने इसी तरह बंद करना है, फिर बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। चले मैं लहसुन भी तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको सारा इकट्ठा दिखाती हूँ। लहसुन इस तरह आपने करना है, दो पीसेस की करनी चाहिए, इतनी आसानी से देर ही नहीं लगता। आपने इसी तरह करना है, बहुत आसानी है, हांडी बनाने में देर नहीं लगती, फिर सारे काम स्वाद हो जाते हैं। इस तरह जो गंदा पार्ट है बीच में इसी तरह आपने निकाल लेना, सारा आपने इसी तरह कर। पहले मैं सारा ये बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। रखें, ये देखिए मैंने सारा छिलका उतार लिया। अब मैं इसको दौरे के अंदर मोटा मोटा दर दर सा करूँगी इसको उतार के, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ आगे इसका क्या करना है। ठीक है, लहसुन सारा कर लिया, हमें इस जग के अंदर डाल लिया। इसके अंदर मैं आधा कप हल्का डालूंगी, जीरा डाल दिया। ये देखिए आधा कर लिए, जिस तरह ये बिल्कुल कलर नहीं चेंज करेगा, ये इसी तरह ही रहेगा। ठीक है, खत्म होने तक ये इसी तरह रहेगा। चलिए मैं दूसरा भी कर लूँगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारा मैंने कर लिया, सारा मैंने कर दूंगी। सारा मैंने निकाल लिया, इसके बहुत फायदे हैं। हमारी वीडियो पसंद आए आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना, बेल आइकन भी दबाना, हमारे घर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए जितना आपको डालना चाहिए उतना डालना।